गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज एक रूहानी चीज़ के बारे में और दुनियावी चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्यों हमारे साथ बिजनेस लॉस आते, क्यों हमारे साथ ऐसा होता, अचानक अच्छा चलता सो बिजनेस ठप क्यों पड़ जाता, ठप मतलब ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता, ऑटोमेटिकली लॉस आ जाते, सडनली ब्रेक हो जाता, वही तो इसके बारे में बात करेंगे। आपका आरएमसी रफी स्टार्ट। वीडियो एंड तक देखिए और शेयर कीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब भी है, तो वॉच करते जाओ रेगुलरली। बेहतरीन आपके लिए मैं मैसेज बनाऊंगा, जो प्रैक्टिकल कर चुके, तजुर्बा मिल गया उस चीज़ों से, उन चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों इंशाल्लाह। तो शुरू करता हूँ वीडियो, चलो एंड तक देखिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भाई बहन इन चीज़ों से बच सके, नुकसान से बच सके। ओके स्टार्ट। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था कि आपको बिजनेस सडनली लॉस कई बार, अच्छा याद रखो, लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या रसम हो गया या आप शादीशुदा हो, ये मैसेज दोनों के लिए, नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए एंड मुस्लिम भाई बहनों के लिए, इंक्लूडिंग दोनों के लिए बनाऊंगा मैं। सेकुलरिज्म के मैसेज के लिए कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह, ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं मैं तो थोड़े बहुत लिखी पीट इंग्लिश भी बात कर लेता हूँ। तो केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। अब गर्लफ्रेंड कनेक्ट हो जाती है, उसके बाद हमें उससे संबंध रखते, तो उससे मिलना जुलना करते, उसके साथ उठना बैठना करते रहते, लाइक रसम होगा तो आजकल माशरे में आम हो गया, रसम होती बच्चा बच्ची बात करना मिलना। अब कॉलेजेस में तो कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये तो चले आ रहा है। अब हस्बैंड वाइफ को लेकर तीन टॉपिक्स को लेके मैं बात करूँगा डियर फ्रेंड्स। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ, एक रसम होने के बाद जो चीज़ उसके लिए बात करें, फिजिकली रिलेशनशिप के बारे में मैक्सिमम इंटेंशन क्या है, फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ फाइनली। सो इससे रिलेटेड बिजनेस है, बिजनेस लॉस होने फिजिकल रिलेशनशिप को क्या बोल के आप पूछेंगे, ये रूहानी बात है, आप लोग नहीं समझेंगे। जिस दिन फेस करेंगे उस दिन समझेंगे, और फेस कर चुके वो लोग पछता रहे। मैं जब इससे पहले वीडियो में बोला था मेरे 88% टू 99% मैच होंगे आपको जाके ये बात, तो ऑब्जर्व करो, इग्नोर मत करो। सो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो, जो माइक बोलने के बाद जो सुन चुके आप, तो इसके बाद प्लीज़ जो भी है तौबा करो, अवॉइड करते जाओ, ये कोशिश करो ये बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी को। ओके तो गर्लफ्रेंड है, उसको रूम पे लेके जा रहे, फिजिकल रिलेशन कायम कर चुके हैं, प्रेग्नेंट हो गई गर्लफ्रेंड, तो तुम ये सोच रहे शादी मैच करने वाला हूँ तो मैच करूँगा इंशाल्लाह, घर में बात करके दे देने लेने, आप लोग सोच रहे, तो ये गलत फहमी आपकी। नहीं दिए तो उस सूरत हाल में पेरेंट्स क्या करते मालूम होगा, तो आप बच्चा गिराने की कोशिश करते, समझो 3 महीने का है, 4 महीने का है, 5 महीने का है, इवन 7 मंथ्स का भी गिराते हुए मैंने देखा है। तो इसलिए बस एक बार प्रेग्नेंट हो गई लड़की या गर्लफ्रेंड हो, चाहे रसम करी वाली हो, चाहे बीवी हो, तो अबॉर्शन का तीन करे तो कानूनी जुर्म भी है इंशाल्लाह। मैं रूहानी भी आपको क्या मार पड़ेगा वो बताऊँगा, हकीकतन जो मैं जो चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ उसके बारे में बात करता हूँ, आप लोग देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को। तो हकीकतन आपको कैसा भी प्रॉब्लम फेस हो रहा तो बता के नंबर पे SMS और WhatsApp कीजिए, मेल के जरिए भी आप मेरे को बात कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वक्त निकाल के आपको बात करूँगा। तो मेरे भाई बहनों, नॉन मुस्लिम भाई बहनें और मुस्लिम भाई बहनें, आगे जाके फ्यूचर बनाना है अच्छे होते बोले तो इंशाल्लाह मेरे वक्त को मैं इंशाल्लाह सैक्रीफाई करूँगा, और आगे भी करते आया हूँ 2003 से लेके 2022 तक, और आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। ये जो भी मैसेजेस बनाया जा रहा पैसों के लिए नहीं, आखिरत के लिए, जो भी सपोर्ट करना चाह रहे तो हमारी चैरिटी को सपोर्ट करते हैं, आर्ट्स एंडी पेपर चैरिटेबल ट्रस्ट, एक नॉन रजिस्टरेबल चैरिटी है, इंशाल्लाह उसको सपोर्ट कीजिए। तो अब टॉपिक की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, आगे मैं थोड़ा थोड़ा भूलता रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा वो बीच में बात करता हूँ, गलत ना को समझो, कब कब क्या क्या आता हूँ बात करता हूँ, फिर भी मैं इंशाल्लाह टॉपिक को आ जाऊँगा फ्रेंड्स। तो टॉपिक पे आ जाएंगे, तो प्रेग्नेंट हो गई गर्लफ्रेंड या मंगेतर मैच कर ले रहा हूँ, तो क्या अबॉर्शन करा देंगे तो गलत फहमी है। जिस दिन अबॉर्शन करा दिए तो समझो पूरी ज़िंदगी आपकी, आपके माँ बाप, बच्ची के माँ बाप बच्ची, और बच्चे के माँ बाप बच्चा, ये टोटली 6 लोग लॉस होने वाले हैं 100% नोटिस कर लो। जो लॉस हो गए वो नहीं बताना चाह रहे, ये तजुर्बा है मेरा, और मैं इसके ऊपर बहुत चीज़ों को ये कर रहा हूँ, बहुत से लोग से मैं बात करके फाइनली वीडियो कर रही है, हकीकतन थोड़े लोग शर्म के मारे बताते नहीं,
तो हकीकत नहीं है, समझो ये 6 लोगों को खा लेगी है वबा, 6 लोग इसमें लॉस होने वाले हैं। कौन कौन? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनके पेरेंट्स, रसम होने वाली फियांसे मंगेतर उनके घर चार वाले, ये लोग 6 जने, टोटल फैमिली 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 बर्बाद होने वाली है भाई। अबॉर्शन से बचा करिए, गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के। जो टीन एज के 18-17 ईयर्स में जो हो रही है, 22-21 ईयर्स में, अक्सर ये 14 से 22 ईयर्स के अंदर ये लोग जो गलती करते वो आगे जाकर आपको 25 ईयर्स में, 24 ईयर्स में आपके आपको भुगतान करना पड़ता 100%, वो भी 15-15 20-20 ईयर्स, 10-10 ईयर्स तक आप सुधरोगे नहीं, कुछ भी करो आपको लॉसेस आएंगे। सो अबॉर्शन से बचो, मेरा तजुर्बा है नॉन मुस्लिम भाई बहनों से और मुस्लिम भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि गलत ना करे, गलत करने से पहले सोचा करे, सोचने के बाद गलती हो गई तो मासूम की जान ना लिए, मासूम की जान ले लिए तो वेट एंड सही, आपको 4-5 मंथ्स में आपको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। छोटे छोटे मैसेज बनाऊंगा, बात को बहुत गंभीरता से लिए और सीरियसली से लीजिए, ताकि तजुर्बा है हकीकतन बहुत लोग फेस कर रहे थे। वो जो आपके फ्रेंड्स है आपके रिलेटिव उनको जाकर पूछो, शादीशुदा है तो बच्चे कई हुआ बीच, बच्चे कई हुआ बीच बोल के, तो नॉन मुस्लिम भाई बहनों में ज़्यादा सा है, बच्ची वीक हो जाती, पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती, क्लैरिटी उतर जाती, लुकनेस चले आता, बोलने वाले सुन लो मेरे भाई, बच्चे इतने बोल के दिया रहता अल्लाह तबारक व तआला, आपको एक गिरा दिए तो सेकेंड रहेगा, तो सेकेंड गिरा दिए थर्ड रहेगा, थर्ड गिरा दिए फोर्थ नहीं रहेगा, तो कभी भी आपकी वाइफ बच्ची वाली नहीं होंगी, बांझी रह जाएंगी। सोचो कि बच्ची गिराने से पहले 100 टाइम सोचा करे, जब गॉड आपको गिफ्ट दे रहा तो उसको अपना लीजिए, ताकि ऐसा ना सोचो पर्सनैलिटी ख़राब हो रही, ये ख़राब होता, क्लैरिटी उतर जाती, वाइफ नहीं रहती, ऐसा सोचने वाले दिमाग से निकालो, बांझी बन के आपकी वाइफ रह जाती मेरे भाई। अक्सर ये नॉन मुस्लिम भाई में मैं पाया गया है और देखा हूँ, तो जब अल्लाह इनको बच्चे देता तो ये जब इनकार कर देते, जब बच्चे बच्चे होना बोलते, जब नहीं होते तो बहुत पछता रहे मेरे भाया, बहुत से हम अपने को कॉल आता कि क्या भाई कैसा, तो देखो भाई जब दे रहा जब ले लो, अवॉइड नको करो, ये कहा कि बात बात पे अबॉर्शन ना किया करे, तो इससे 110% आपको नुकसान आ सकता है। आप सोच सकते कि पार्टनर हाथ दिया हमें मुकम्मल पैसा नहीं डाल सके, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, चपला सीने वाली भी वेल सेटल है, पेंसिल डालने वाली वेल सेटल है, गुड़िया में भीख मांगने वाली वेल सेटल है, मंदिरा में भीख मांगने वाली वेल सेटल है, आप करोड़ों के डाल रहे, लाखों के डाल रहे, तो वेल सेटल कहीं को नहीं भाई। आप वेल सेटल नहीं की वजह आपके कुछ चीज़ें हैं, उसको बेहतरीन से बेहतर बनाएं। छोटा सा मैसेज फॉरवर्ड करें, टेक केयर एवरीवन।